केमिस्ट्री का पेपर बेचा, फिर उन्होंने लेक्चरर एजुकेशन का पेपर बेचा, फिर उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का पेपर बेचा, फिर उन्होंने इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर बेचा, और अब इन्होंने तहसीलदार का जी पेपर बेचा। ये अभी तक इनका कन्फेशन है। और अभी तक जो तफ्तीश हमारी जारी है, फाइनल कंक्लूजन नहीं है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था, जिसकी ड्यूटी थी कि जब पेपर चेयरमैन फाइनल कर देता है, अप्रूवल हो जाती है चेयरमैन की, तो वो कंप्यूटर में फीड करता था, वो बंदा वहां से वो पेपर ले लेता था, मुंह ऐसे ही आ गया सारा, बाकी पीछे आ जाए, यूएसबी में कॉपी कर लेता था। तहसीलदार की भर्ती के लिए इम्तिहान मुलतवी क्यों हुआ? पर्चा इम्तिहान से पहले ही आउट हो गया था, वजह सामने आ गई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन पर्चा आउट करने में मुलविस निकले। एंटी करप्शन ने पीपीएससी के 4 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब की स्पेशल टीम का स्टिंग ऑपरेशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने आज होने वाला तहसीलदार का पर्चा भी लीक किया था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का आज होने वाला इम्तिहान भी मंसूख कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फयाज मलिक से। फयाज, बताइएगा इस ऑपरेशन से मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं काजी आजम और मुहाफिज़ आजम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब से मुखातब हूँ। हजूर, आज जो इम्तिहानात मुनक्कद करवाने वाले अदारे हैं, जिनमें सरफरिस्त पीपीएससी आता है, उनका जो गलीज और गंदा जो करदार है वो रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुका है। हजूर, ये लोग अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए दिन रात पेपरों की खरीदो फरोख्त करते हैं, और वो लोग जो तलीम हासिल करने के लिए दिन रात जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, उनमें मायूसी का आलम बढ़ा रहे हैं और उनके मुस्तकबिल को जो है ना वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ का सो मोटो लें, ताकि वो जो बदकरदार और गलीज लोग हैं वो कैफर करदार को पहुंचे और हमें जो है ना वो इंसाफ जो है ना वो मुहैया हो। और इसके साथ ही मैं अपनी कौम से भी ये इल्तिजा करता हूँ, प्लीज ये टाइम है, वी मस्ट स्टैंड बाय जस्टिस, ताकि वो जो गलीज और गंदे लोग जो अपनी ख्वाहिशात के असूल के लिए दिन रात हमारा फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, उनको जो है ना वो कानून के कटहरे में जो है ना वो खड़ा किया जाए। शुक्रिया।